जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़े पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके एक बेलपत्र, बन सके पांच बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मुंह, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मुंह, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। दो या तीन प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। दो या तीन करोगे, बाबा करेगा।